सो हेलो गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइस्टार के अननोन फैक्ट्स के बारे में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं जो भी फैक्ट बताने वाला हूँ वो शायद से ही आपको पता होंगे, बट कभी ना कभी आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर से आए होंगे। जैसे कि आपको पता है कि राइस्टार बहुत ज़्यादा फेमस है, बट क्या आपको ये पता है कि राइस्टार इतना फेमस कैसे हुआ? और गाइस, आपको पता है कि राइस्टार वन टैप हेडशॉट मारता है, और इंडिया में सबसे पहले राइस्टार ने ही वन टैप हेडशॉट का इन्वेंशन किया था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर राइस्टार ने वन टैप कहाँ से सीखा, और राइस्टार की इंस्पिरेशन कौन है? सो इन्हीं सारे सवालों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और हाँ गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। सो गाइज, बढ़ते हैं फैक्ट नंबर वन की तरफ, जो कि होने वाला है कि राइस्टार की इंस्पिरेशन कौन है। तो यार, आप लोगों को पता है कि इंडियन सर्वर वाले राइस्टार से ही वन टैप मारना सीखे थे, उन्हीं से फास्ट ग्लू बॉल लगाना सीखे थे, और उन्हीं से फास्ट मूवमेंट करना सीखे थे, और बहुत सारे प्लेयर्स की तो वो इंस्पिरेशन भी बन चुके हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर राइस्टार की इंस्पिरेशन कौन है? तो शायद से आपको नहीं पता होगा। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि राइस्टार की इंस्पिरेशन है M8N। तो गाइज, क्या आपको ये बात पता थी या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। तो गाइज, बढ़ते हैं फैक्ट नंबर टू की तरफ। और गाइज, आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे गिल्ड में ज़्यादातर लोग अपने नेम के आगे ज्ञान लगाते हैं, बट राइस्टार अपने नेम के आगे ज्ञान क्यों नहीं लगाता? तो गाइज, हमारी गिल्ड में क्या है कि ये कंपलसरी नहीं है कि सबको ज्ञान लगाना ही है। जिसकी मर्जी हो तो वो लगाए, जिसकी मर्जी ना हो तो वो मत लगाए। और ज्ञान भाई किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि वो अपने नेम के आगे ज्ञान लगाए। अगर वो ज्ञान लगाए, ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो हमारे गिल्ड में नहीं लगाते, जैसे स्नाइपर लॉर्ड भाई हो गए, राइस्टार भी नहीं लगाता, और सुब्राता भाई हैं वो भी नहीं लगाते। तो गाइस, सीधा सा फंडा है कि जिसको ज्ञान लगाना हो तो लगाओ, जिसको नहीं लगाना हो तो मत लगाओ। किसी पे कोई फोर्स नहीं है, ना ही कोई ज़बरदस्ती है कि ज्ञान लगाना ही है। तो गाइस, इसलिए राइस्टार नहीं लगाता अपने नेम के आगे ज्ञान। सो गाइस, अगला फैक्ट है कि राइस्टार इतना ज़्यादा फेमस कैसे हुआ। तो यार, आप लोगों को पता है कि इंडिया में वन टैप की शुरुआत की थी राइस्टार ने, और सबसे ज़्यादा फास्ट मूवमेंट उस टाइम पर राइस्टार का ही था, और हेडशॉट रेट भी 70% का था। तो जब अदर प्लेयर्स ने देखा कि राइस्टार तो सिर्फ एक ही बार में एनिमी को डाउन कर देता है, और हेडशॉट रेट भी, जब दूसरों का हेडशॉट रेट 30% था, तब राइस्टार का हेडशॉट 70% से भी ज़्यादा था। तो लोगों को लगा कि राइस्टार कुछ ना कुछ तो यूज़ करता है, जैसे कि ग्लेस या फिर कोई ना कोई हैक यूज़ करता है। ज़्यादातर लोग इस टॉपिक को लेकर कंट्रोवर्शियल वीडियोज़ बनाने लगे कि राइस्टार हैकर है, राइस्टार हैक यूज़ करता है, बट सिर्फ ज्ञान भाई ही थे उनके सपोर्ट में। तो कुछ ऐसे ही करते करते राइस्टार फेमस होता गया, और साथ ही साथ राइस्टार ने भी अपने गेम प्ले को इम्प्रूव किया, और बहुत ही स्ट्रगल किया यहाँ तक आने के लिए। तो गाइज, अब बात करते हैं कि राइस्टार की अर्निंग कितनी है। तो यार, मैं कन्फर्म तो नहीं हूँ, बट सोशल ब्लेड करके एक वेबसाइट है जो सभी क्रिएटर्स की अर्निंग और उनके चैनल का एनालिटिक्स बताती है, तो उसी पे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि राइस्टार की अर्निंग कितनी है। तो यार, आप यहाँ पे देख सकते हो कि राइस्टार की मंथली अर्निंग $2300 से लेके $36,000 के बीच है। तो यार, ये कन्फर्म तो नहीं बताता, मतलब एस्टिमेटेड रेवेन्यू रहता है इसमें। तो जो उसकी एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू है वो $2300 से लेके $3600 के बीच में हो सकती है। और अगर बात करें ईयरली अर्निंग की, तो ईयरली अर्निंग हो सकती है उसकी $27,000 से लेके $434 तक। तो यार, एस्टिमेटेड ही बता सकते हैं, तो मतलब इसके बीच में ही होगी। एंड सोशल ब्लेड काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, तो हम मान सकते हैं कि हाँ, राइस्टार की अर्निंग लगभग इतनी ही होगी। तो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।